एससी कल्याण बोर्ड के निदेशक अशोक कुमार ने इंदौरों में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किया है, चाहे सड़क का काम हो चाहे पुल का काम हो, हर विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुआ है और कुछ कार्य चल रहे हैं। लेकिन इंदौरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर एक आजाद विधायक है और वो पहले भाजपा से थे और पार्टी द्वारा टिकट न मिलने पर आजाद चुनाव लड़े थे और जीतकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। विधायक ने कांग्रेस पार्टी के लोगों का कोई काम नहीं किया और न ही भाजपा के लोगों का कोई काम किया है और उन्होंने अपने ही परिवार का फायदा सोचा है, जिस कारण इंदौरा विधानसभा की सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है और अस्पतालों में भी मरीजों का बुरा हाल है। अशोक कुमार ने विधायक मनोहर धीमान पर हमला करते हुए कहा कि अगर मौजूदा विधायक फिर से चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो इंदौरा की जनता उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, यहां तक कि उन्हें अपने घरों में घुसने तक नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इंदौरा में जो उपमंडल अधिकारी कार्यालय जो 4 साल पहले खुलना चाहिए था वे आज तक नहीं खुल पाया है। अशोक कुमार ने कहा कि यदि इंदौरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें कहती है तो वह सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था तथा जनता के हर कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर उसको दोबारा मौका मिलता है तो लोग उसको पूरा जवाब देंगे और उसे ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको शायद उनको घर में भी घुसने नहीं देगा जैसा उसने व्यवहार किया लोगों के साथ। और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उसने इतनी मलाई खाई है कि पूछे मत से, कि लोगों को पता तक नहीं लगने दिया उसने। जब भी कोई जाता था आपने देखा कि जो भी मुलाजिम लोग हैं जहाँ के सब मुलाजिम लोग जब कहीं भी प्रोग्राम होता है उनको लेके जाता था। अभी देखा आपने जहाँ पे नलकूप का उद्घाटन होना था, अभी जब तू कांग्रेस पार्टी से दामन छोड़ चुका है तो उद्घाटन करने का तेरे को तो कोई लेन देन नहीं है। उद्घाटन जहाँ शिकार जहाँ कोई भी करना वो कांग्रेस पार्टी के ही पता है। देखा सर आपने हमारा 4 साल पहले जो एसटी कोर्ट था आज से 3 साल पहले ही खुलना था, लेकिन मनोहर बुद्धिमान की वजह से आज बड़ी लेट खुला है। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनका बड़ा कर्ज है कि उन्होंने तहसील कोर्ट दे दिया उनको कांग्रेस पार्टी, और आज जो भी गरीब लोग दूर पर जाया करते थे जिनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं हो करते थे, कई बार टाइम दूर पड़ता था, समय ज्यादा लगता था, उनको इंदौरा में काले मुंगेर पे जैसे कि लाइसेंस बच्चों का बनना और उनकी ट्राई होना सब इंदौरा में होगा। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और राजा वीरभद्र मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की देन है। सभा हो रही है तो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, मनोहर धीमान जी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास करवाया। विकास तो करवाया कांग्रेस पार्टी ने, उसने कहां से विकास, अगर उसने कांग्रेस पार्टी पे रहता तब तो मान जब कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, अब वो तो चला गया भाजपा ने और किस मुंह पे किस लिहाजे से कहता वो मैंने विकास करवाया। विकास हमेशा पार्टी ही करवाती है, कांग्रेस पार्टी करवाती है और भाजपा वाले नहीं करवाते। आपने देखा 5 साल पीछे रही बीजेपी रही और बीजेपी ने एक भी स्कूल जहां पे अपग्रेड नहीं करवाया और कोई सड़क की मरम्मत नहीं तक होने नहीं दी थी और कोई रोजगार नहीं मिला था कोई। आज ऐसी हालात हो गया कि बेरोजगारी तो राजा वीरभद्र सिंह ने खत्म कर दी, जिस हालात से वो चले गए। अब मुलाजिम देखने अधिकारी लोग देख रहे उनको खुद दिल खोल के अभी पंचायत के जो उनको देख रहे उनके अभी उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया है। आप देखें उनका क्या बोलते हैं टीसीटी के कितने कैंडिडेट रखे हैं अभी, और उनके अभी पुलिस डिपार्टमेंट देखे, एचआरडीसी डिपार्टमेंट में देखे कितने बच्चों को रोजगार मिला है, ये कांग्रेस पार्टी देख रहा है। और मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने करवाया, जी ऐसा कुछ नहीं सर। तो एक मुद्दा ये है कि मैं सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, और ज्यादातर मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो किसने बीटेक की किसने एमटेक की है, वो बेरोजगार लोग हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, उनके हर कार्य को पूरी कुशलता से सारा पूरी निष्ठा भावना से करूंगा।